प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, नमो नमः और सभी को जय हिंद। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य कारण ये है कि जब मैंने स्वयं कोरियन भाषा सीखनी शुरू की तो सबसे पहले मेरे सामने समस्या थी कि इसको पढ़ा कैसे जाए। ओह माय गॉड। और इसका सही उच्चारण कैसे हो, और भारत में इसके लगभग ना के बराबर प्रशिक्षण वर्ग है। केवल दिल्ली और कलकत्ता, यहाँ पर कोरियन कल्चरल सेंटर में कोरियन भाषा सिखाई जाती है, जबकि कोरिया और भारत में व्यापार प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कोरियन प्रशासन, कोरियन सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है कि कोरियन भाषा का ज्ञान भी यहाँ पर दिया जाए, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग फैक्ट्री भारत में मौजूद है। और वहाँ पे भाषा की बहुत सारी समस्या आती है। कोरियन स्वयं अंग्रेजी नहीं बोलते, और जो भी बोलते हैं तो उनकी अंग्रेजी समझना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये वेज थाली है, फुलगोगी नहीं। तो आवश्यक पड़ता है या तो कोरियन हिंदी में वार्ता करे, या भारतीयों की तरह अंग्रेजी बोले, या हम उनकी भाषा सीखें। तो कोई साधन न होने की वजह से मुझे YouTube का सहारा लेना पड़ा, कोरियन ड्रामा बहुत सारे देखने पड़े जिससे मुझे उनका सही उच्चारण पता। अच्छा, वेगुगिन मजायो? जोंमाल? We don't look like foreigners. We are. Namaste. 아, 한국말 할 줄 몰라요? मेरे से शादी करोगी? मैं खूबसूरत हूं। 아, 뭐라는 거야? 다른 사례 डॉक्यूमेंट्स और किताबें मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करके उनको प्रिंट करना पड़ा। लेकिन यह समस्या और जो सीखना चाहते हैं उनको ना आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, मन बनाया है। तो ये वीडियो आपको कोरियन भाषा सीखने के लिए नहीं है, तो कोरियन लिपि सिखाने के लिए है, और इसको कैसे पढ़ा जाए। तो ये वीडियो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है स्वर व्यंजन। बिल्कुल सही, हमारी हिंदी भाषा की तरह इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, और व्यंजन और स्वर मिलाकर के अक्षर निर्माण होता है। तो पहला वीडियो, इसका पहला भाग जो है वो स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन की अक्षर है और इसको पढ़े कैसे, इस पर है। दूसरा भाग जो बनेगा उसमें व्यंजन स्वर, और उसके आगे वो व्यंजन स्वर अक्षरों के नीचे चले जाते हैं, व्यंजन स्वर। तो ये बॉक्स के रूप में ये शब्द निर्मिति होती है, तो जो अक्षर नीचे की तरफ आते हैं उन्हें पश्चिम कहा जाता है। तो ये पश्चिम द्वारा एक पूर्ण शब्द कैसे निर्माण किया जाए और उसको कैसा पढ़ा जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और कोई शब्द भी देखेंगे। 15वीं शताब्दी के पहले कोरियन भाषा को अपनी स्वयं निजी कोई लिपि नहीं थी, तो कोरियन भाषा के लिए चीनी लिपि का उपयोग किया जाता था, उसे हंचा कहा जाता है। चोसोन राजवंश के चौथे राजा सेजोंग, इन्होंने अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों को आदेश दिया कि कोरियन भाषा के लिए एक लिपि का निर्माण करें जिसका नाम हंगल रखे। ये विद्वानों का गुट को कहा जाता था छिपियोंजोन, अर्थात द हॉल ऑफ वर्दीज। और इन्होंने 1443 में एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था हुनमिनजोंगम, अर्थात प्रजा को शिक्षित करने के लिए उचित स्वर। ये हांगुल के निर्मिति का कारण तथा उसकी उपयोगिता दर्शाता है। ये सीखना बहुत ही आसान है यदि आप मन एकाग्र करके 4 से 5 घंटे तक इसका निरंतर अभ्यास करें, तो ये लिपि आ जाएगी। ये दुनिया की सबसे आसान लिपि है सीखने के लिए। मैं भाषा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लिपि के बारे में, जो कि हमारा सीखने का उद्देश्य है। ये व्यंजन का जो समूह है, जो परिवार है, केवल 7 स्तरों में बटा हुआ है। पहला है ये अक्षर,
क्योक, जिसको हम सरलता के लिए ख कहेंगे या क कहेंगे। ख क ख। फिर है द त थ। फिर है ब प फ। फिर है श स। फिर है ज च छ। फिर न र म। और अंतिमता ng और h। केवल इतना हमें सीखना है, इतना हमें ध्यान में रखना है, ये व्यंजन है और आपको स्वर भी बताया जाएगा और इनको दोनों को मिलाकर के अक्षर का निर्माण कैसे करना है। जैसे ही आपको ये आ जाएगा, आप कोरियन शब्द और भाषा पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए इसका अभ्यास अब शुरू करते हैं। तो यदि आपने अभी तक पेन और पेपर या किताब नहीं लिया है तो इस वीडियो को पॉज करें और अपना पेन, पेंसिल, कागज या किताब लेकर के आए। और चलिए हम शुरू करते हैं इसके स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन, व्यंजन अर्थात हिंदी में जो हम क ख ग घ च छ ज झ ये होते हैं व्यंजन। तो इनमें व्यंजन होते हैं 14। और फिर इसकी बात होते हैं डबल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं 5। और फिर स्वर होते हैं 10 और संयुक्त स्वर होते हैं 11। तो इन अंकों को देखकर घबराए नहीं, ये बहुत आसान है। ये अक्षर केवल सीधी लाइन, खड़ी लाइन और शून्य इसी तर्ज पे चलता रहता है, तो ये सीखना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट टेबल तैयार करना होगा। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे व्यंजनों का। तो व्यंजन के लिए ऐसे खड़े आपको इस प्रकार चार्ट तैयार करना है। ये होंगे 19 ऐसे 19 लाइंस, और ऐसे आप जो जितनी मर्जी चाहे आप उतनी बार आप कर सकते हैं। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार व्यंजन लिखे हुए हैं और उसके आगे उसका प्रयास करना है, सराव करना है। जब भी आप अक्षर लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्वर में, ध्वनि में आकर के बोलना है, केवल मन ही मन में उसे नहीं लिखना है। तो जैसे भी आप लिखेंगे क तो उसका उच्चारण करें क क क। इससे क्या होगा कि वो अक्षर के साथ साथ उसकी ध्वनि आपके मस्तिष्क में उमटने लगेगी और इस तरह आप बहुत जल्दी याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहला व्यंजन देखते हैं। इन व्यंजनों के नाम भी है, जैसे हमारे व्यंजनों के नाम है क ख ग घ, वैसे इनके व्यंजनों के नाम है खियोक, थियोत, फियोक, नियोन, मियम, इस प्रकार के हैं।
पर जब ये पढ़ते हैं तो इनके नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल अक्षर के स्वर पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है खियोक, खियोक। अब आप चार्ट में देखिए, ये जो खियोक है ये अपना स्वर शब्द में कहाँ आता है, उपस्थित होता है, उस पर आधारित है। तो ये जो खियोक है, इस अगर ये शब्द के प्रारंभ में होगा, पहला होगा, तो इसका उच्चारण होगा ख। यदि ये अक्षर के बीच में या अक्षर के पीछे की तरफ आता है तो इसका उच्चारण होगा ग। और यदि ये अंत में या पश्चिम में अर्थात अक्षर के नीचे की तरफ आता है तो उसका उच्चारण होगा क। अक्षर एक है, इसके उच्चारण तीन है। ये शब्द में कहाँ पर आता है उस पर ये निर्भर करता है। अगर अक्षर शब्द के आरंभ में है तो ख, शब्द के बीच में है तो ग, और शब्द के अंत में है तो ये क बन जाएगा। इसके बाद का जो दूसरा अक्षर है नियन, ये अंग्रेजी एल की तरह है। नियन का उच्चार केवल न ही होता है। इसके बाद तीसरा व्यंजन है थीगत, ये अंग्रेजी सी की तरह होता है, थीगत। यदि ये अक्षर के प्रारंभ में आए तो इसका उच्चारण होगा थ। यदि ये शब्द के बीच में आता है तो इसका उच्चारण होगा द। और यदि ये शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण होगा त। इसके बाद अगला व्यंजन है रियल अक्षर, ये अंग्रेजी एस की तरह है, रियल, इसका नाम है रियल। यदि ये अक्षर के प्रारंभ में आए तो इसका उच्चार होगा ल। यदि ये अक्षर के बीच में आता है तो इसका उच्चारण होगा र। और यदि ये अक्षर के शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण होगा ळ। ये जो अक्षर है ये हिंदी में उपस्थित नहीं है, किंतु गुजरात से नीचे ये अक्षर है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर इस अक्षर की मौजूदगी है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, देखिए ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ये है ल ल, ये है ळ ळ ल ळ। जब आप ल कहते हैं तब आपकी जीभा ये दांत के पीछे चिपकती है, ल करके देखिए, बोलिए ल जीभा। और जब ये जीभा पीछे से रोल होती है आगे की तरफ, आपको कहना है ल ही, लेकिन जीभा को ऊपर छू करके उसको आगे की तरफ रोल करना है, तो उसका बनेगा ळ ळ करके देखिए, बोलिए ळ ळ। इसके बाद जो अक्षर आएगा वो है मियम, ये एक बॉक्स की तरह है, मियम। इसका एकमात्र उच्चारण है म म। इसके बाद जो व्यंजन आता है वो है, इसको कहते हैं फियप, फियप। फियप ये जब अक्षर के प्रारंभ में आता है तो इसका उच्चारण होगा फ, फ। जब ये शब्द के मध्य में आता है तो इसका उच्चारण होगा
ब ब। और जब ये शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण होता है प प। ये ध्यान में रखना है, ये अक्षर में शब्द में इसकी जगह कौन सी है उस प्रकार इसका उच्चारण बदलता है। इसके बाद अगला व्यंजन है शियत, शियत। ये अक्षर है शियत। ये जब शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण होता है श। ये जब शब्द के मध्य में आता है तो इसका उच्चारण होता है स, स। और ये जब शब्द के अंत में आता है तो इसका उच्चारण होता है त, त। इसके बाद अगला व्यंजन है इयंग, इयंग। वैसे तो इसको स्वयं कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन यदि ये शब्द रचना में कहीं पर भी आता है तो इसका स्वर होता है ng, ng। इसका नाम है इयंग और इसका उच्चारण होता है ng, क, ख, ग, घ, ng। फिर इसके बाद इसका उच्चारण होगा ng, ng। अगला व्यंजन है छियत, छियत। छियत जब ये शब्द के प्रारंभ में आता है तो इसका उच्चारण होता है आधा च और छ। तो जैसे आप च बोलने के लिए आरंभ करते हैं कि किंतु समाप्ति उसकी छ में होती है, छियत, छियत। च बोलने के लिए आरंभ करें और छ में समाप्ति करें, छियत, छियत। जब यह अक्षर के शब्द के मध्य में आता है तो इसका उच्चारण होता है ज, और जब यह शब्द के अंत में आता है तो यह बन जाता है त। इसके बाद व्यंजन है छियत, छियत। छियत ये स्पष्ट रूप में छ। तो शब्द के आरंभ में या शब्द के मध्य में यदि आता है तो ये छ ही बना रहता है, लेकिन यदि ये अक्षर शब्द के अंत में आता है तो ये भी बन जाता है त। अगला व्यंजन है खियक, खियक। ये जब अक्षर के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में या शब्द के मध्य में आता है तो इसका उच्चारण होता है ख। ये जब शब्द के बीच में आता है तो इसका उच्चारण होता है ख। और जब ये शब्द के अंत में आता है तो ये बन जाता है क, क। अगला व्यंजन है थीगत, थीगत। ये अंग्रेजी ई की तरह है। ये जब शब्द के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण होता है थ। ये जब शब्द के मध्य में आता है तो ये बनता है थ, ये थ ही बना रहता है, लेकिन जब शब्द के अंत में आता है तो ये बनता है त।
इसके बाद व्यंजन है फीअप, फीअप। फीअप ये जब शब्द के आरंभ में होता है तो ये फ, शब्द के मध्य में आता है तो ये फ ही बना रहता है, और शब्द के अंत में जब आता है तो इसका रूप होता है प। इसके बाद अगला अक्षर है हियत, हियत। छोटा, छोटी रेख, बड़ी रेख और गोलाकार, हियत, हियत। ये जब अक्षर के आरंभ में आता है तो इसका उच्चारण होता है ह। जब यह अक्षर के मध्य में आता है तो ये बना रहता है ह, और जब यह अक्षर के अंत में आता है तो यह भी बन जाता है त। इस प्रकार हमने वर्णमाला के पहले आरंभिक 14 वर्ण देखे। अब इसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन जो केवल 5 है, इसमें सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन में सबसे पहला है खियक। ये खियक इसको कहेंगे सांखियक, अर्थात डबल खियक, संयुक्त खियक। तो पहला खियक ऐसा था, यह है डबल खियक, सांखियक, और इसका उच्चारण होगा केवल क, 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 क। यदि अक्षर शब्द के आरंभ में आता है तो क, शब्द के मध्य में आता है तो भी एक क, और अंत में जब आता है तो भी ये रहेगा क। इसके बाद दूसरा संयुक्त व्यंजन है सांगथिगत, सांगथिगत। तो पहला जो थिगत था वो था ये इंग्लिश सी, सांग का अर्थ है डबल, पैर, जोड़ी, तो ये थिगत की जोड़ी हो गई सांगथिगत। इसका उच्चारण होगा त, शब्द के मध्य में आता है तो त, और शब्द के अंत में आता है तब भी ये रहेगा त। इसके बाद तीसरा संयुक्त व्यंजन है फीअप, फीअप, फीअप। लेकिन यहां पर यह है सांग फीअप, डबल फीअप, और इसका उच्चारण होगा यह जब शब्द के प्रारंभ में आता है तो होगा प, शब्द के मध्य में आता है तो होगा प, और शब्द के अंत में भी यह होगा प। चौथा संयुक्त व्यंजन है शियत, शियत, शियत। लेकिन यह होगा सांगशियत, सांगशियत। जब यह शब्द के आरंभ में आएगा तो इसका उच्चारण होगा स, जब शब्द के मध्य में होगा तो ये बना रहेगा स, और यदि ये शब्द के अंत में आता है तो ये बन जाएगा त। और आखिरी व्यंजन है संक्षियत, संक्षियत, छियत, संक्षियत। जब ये शब्द के आरंभ में आएगा तो इसका उच्चारण होगा च। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि
और ज, इन दो अक्षरों को मराठी भाषा में दो अलग अलग उच्चार है। च, च, ज, ज। तो पहला है हेवी, भारी, च, और दूसरा है सौम्य, च, तो वो वाला है च, च। और जब ये शब्द के अंत में आता है तो ये बनता है त। तो इस प्रकार हमने व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, 14 व्यंजन और 5 संयुक्त व्यंजन जाना। अब हम आगे जानेंगे स्वर। जैसे हमने 19 व्यंजन देखे, अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कुल मिलाकर है 21, 10 स्वर, 11 संयुक्त स्वर। तो स्वर क्या होता है? जैसे हमारे हिंदी भाषा में अ, आ, ई, ई, उ, ये स्वर होते हैं। और इसको किस प्रकार लिखा जाता है? आ, ई, ई, उ, उ, ऐसे लिखा जाता है। तो हम देखेंगे अभी कोरियन स्वर कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए आपको और एक डायग्राम बनाना है, जिसमें ऐसे खड़े कॉलम आपको बनाने हैं, कुल मिलाकर 22 कॉलम करने हैं। और रो होंगे 20 रो और 22 कॉलम करने हैं। इसमें आपको यहां से आरंभ करना है। अब 22 करें या 21 करें, कोई बात नहीं, आप 21 कर सकते हैं इसको। तो यहां से आपको आरंभ करना है ऐसे। आपके स्क्रीन पे देखिए ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल 21 कॉलम दिख रहे हैं और वर्टिकल 20 रो दिख रहे हैं। सबसे पहला स्वर है आ, आ, आ। तो पहले कॉलम के पहले बॉक्स में आप लिखिए ये आ, और उसके नीचे हिंदी में लिखिए ताकि आपको याद रहे कि ये उच्चारण क्या था, यह आ। दूसरा है दूसरा स्वर है या, या, खड़ी लाइन और साइड में दो या। आपने देखा कि जैसे हमारे हिंदी भाषा में स्वर अ से आरंभ होते हैं, लेकिन कोरियन भाषा में अ स्वर है ही नहीं, तो वो आरंभ होता है या से। हमारा अ, आ, ई, ई, उ, जैसा है, इनका आ, या, ओ, यो, इस प्रकार होता है। तीसरा है ओ,
ओ चौथा स्वर है यो यो, उसके बाद है ओ ओ यो यो, अगला है ऊ ऊ, आगे है यू ऊ यू, आ या ओ यो ओ यो ऊ यू, ये हो गए आठ और दो बाकी है प्राथमिक स्वर में। तो ये है लाइन ई। देखिए ये स्वर हिंदी भाषा में नहीं है अभी, तो ये किसी भी भाषा में नहीं है दुनिया में, ये केवल कोरियन में है जिसमें आपके होंठ इस प्रकार ताने जाते हैं। अ अ, ये ना अ है ना उ है, ये अ और उ के बीच का स्वर है। अ अ, ये उ उ और अ, इनके बीच का स्वर है। कैसे कहेंगे अ, कहिए आप अ अ, बिल्कुल बराबर। और अंत आखिरी है सीधी लाइन, आसान है ई ई, आ या ओ यो ओ यो उ यू इ ई। और फिर आगे है 11 संयुक्त स्वर, ये देखिए अब इस स्वर माला में संयुक्त स्वर का पहला और स्वर माला का 11वां। ये है ए ए, तो दूसरा क्या होगा अब तक आपने अनुमान लगा भी लिया होगा। ये बिल्कुल सही। ऐ ऐ, इंग्लिश शब्द अटैक का ऐ अटैक, ऐ एक्टर वो ऐ। तो अगला क्या होगा ये, देखा कितना आसान है। अभी तो आपने अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया कि आगे क्या होगा। इसके बाद है
वाह वाह, इसके बाद है वे, अगला है वे 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 वे, इसके बाद स्वर है वो, वॉक, वॉच, वॉच, वॉक, वो, वा, वो, वा में देखिए ये ऊपर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, ये नीचे की तरफ लाइन है और ये अंदर की तरफ है वो, इसके बाद है सीधी लाइन नीचे की तरफ, ये अंदर और ये डबल रेखा, ये भी है वे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दो बाकी है, इसके बाद का संयुक्त स्वर है वी वी, इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ है और एक खड़ी लाइन है वे, इसमें नीचे की तरफ है और खड़ी लाइन है वी, और अंतिम स्वर है ये, इसका भी उच्चारण जो है वो अन्य किसी भी भाषा में नहीं, ये केवल कोरियन में ही है, ये है उई, 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 उई नहीं, इसको अ ई अई ऐसे नहीं, उई। तो ये इस प्रकार हुआ 21 स्वर माला। अब आगे हम देखेंगे जब इन व्यंजन और स्वर को मिला के अक्षर निर्माण कैसे किया जाता है, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए कि किस प्रकार ये चार्ट बनाया गया है। इसी प्रकार आपको चार्ट बनाना है, इखड़े लाइन और हॉरिजॉन्टल कॉलम आपको बनाने हैं। और आपको शुभकामना, धन्यवाद।